वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो अगर आपका भी फेसबुक अकाउंट गाइस लॉक हो चुका है और उसमें कंफर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है गाइस और आप लोग विदाउट आइडेंटिटी के अपना अकाउंट अनलॉक करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग विदाउट आईडी प्रूफ के अपना अकाउंट अनलॉक कैसे कर सकते हो, वो भी प्रॉपर तरीके से गाइस, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आ चुका हूं। अब आप लोगों को करना है, अगर आप लोगों का भी फेसबुक अकाउंट लॉक हो चुका है और उसमें कंफर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है और आपके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है कंफर्म करने के लिए, तो आप लोगों को अपना क्या करना है, अकाउंट लॉगिन करना है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहां पर हमारे एक सब्सक्राइबर का अकाउंट है और भाई को थैंक यू जिन्होंने हमको ये अकाउंट दिया है गाइस अनलॉक करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को विश्वास नहीं रहता इसीलिए नहीं अकाउंट देते हैं। तो यहां पर गाइस हमने अपने एक सब्सक्राइबर का अकाउंट लॉगिन कर लिया। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं उनके वाले में प्रॉब्लम क्या आ रहा है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर यही हमारे सब्सक्राइबर का जो अकाउंट है लॉक हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमारा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है गाइस। यहाँ पर देखिए जैसे ही नेट पकड़ा और यहाँ पर देखिए इनका जो है अकाउंट लॉक हो चुका है एंड यहाँ इनका आप लोग तारीख वगैरह चेक कर लीजिए। यहाँ पर 11 नवम्बर को इनका अकाउंट लॉक हुआ है और यहाँ पर देखिए यादव नाम से ये अकाउंट है गाइस। यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कन्फर्म दिस इज योर अकाउंट एंड यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए गाइस हमारा कंफर्म योर आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे गाइस, यहाँ पर गेट अ कोड बाय ईमेल या फोन नंबर का ऑप्शन या इंटर योर बर्थडे का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं आप लोगों को हम फुल डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को फर्स्ट वाले इंटरफेस का स्क्रीन शॉट ले लेना है, मैं ले लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको ओके करना है एंड यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड यहाँ नेक्स्ट एंड यहाँ कंफर्म योर आइडेंटिटी वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो गाइस अब हमारा काम खत्म हो गया गाइस। इस अकाउंट में केवल हमको इतना ही काम करना था। अब इसके आगे हम इस अकाउंट को लॉग आउट करके भी अपना काम कर सकते हैं। गाइस मैं आप लोगों के सामने इस अकाउंट को लॉग आउट करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है लॉग आउट हो चुका है गाइस एंड यहाँ पर अब हम अपना प्रोसेस चालू करेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया एंड यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है लोगो पे एंड जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करेंगे गाइस उसके बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप लोगों को नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है। नीचे के साइड में जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर गाइस देखिए सेकंड नंबर पे दिख रहा है हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर ऊपर में देखिए हेल्प सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप हेल्प सेंटर पे क्लिक करेंगे गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर गाइस आप लोगों को सर्च करना है कन्फर्म योर आइडेंटिटी फेसबुक। तो यहाँ पर देखिए कंफर्म योर आइडेंटिटी फेसबुक मैंने सर्च एंड यहाँ पर देखिए गाइस सबसे ऊपर के साइड में आ रहा है माय फेसबुक अकाउंट इज लॉक्ड एंड आई एम नॉट गेटिंग फोन और गेट अ कोड व्हेन ट्राई टू कंफर्म माय अकाउंट। तो यहाँ पर इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप लोगों को नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप लोगों को यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे एंड आप लोगों को यहाँ पर दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है द सोल्यूशन डज नॉट वर्क एंड यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या लिखना है और क्या क्या डालना है मैं आप लोगों को सब कुछ लिख कर और डालकर बता देता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाल देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने नेम और पासवर्ड सब कुछ डाल दिया है गाइस एंड यहाँ पर डायरेक्टली हमको सबमिट पे क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे गाइस आपके सामने देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ से बैक हो जाना है एंड जैसे ही आप बैक होंगे आप लोगों को यहाँ पर देखिए नीचे के साइड में लिखा हुआ मिलेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, इस पर भी आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने गाइस कुछ इस तरह से इंटरफेस आए एंड आप लोगों को इंक्लूड इन रिपोर्ट पे क्लिक करना है एंड आप गाइस जैसे ही नीचे के साइड में स्क्रॉल करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखिए प्राइवेसी लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस फोटो को आपको डिलीट करना है एंड जो जो आपने वहां पर लिखा था वही यहां पर लिखना है, मैं डाल देता हूं। तो देखिए गाइस यहां पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया एंड यहां पर मैं इसमें भी ईमेल आईडी पासवर्ड सब कुछ डाल देता हूं। तो गाइस मैंने यहां पर पासवर्ड ईमेल सब कुछ डाल दिया एंड यहां पर ऐड ईमेल पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ऐड ईमेल पे क्लिक करेंगे गाइस यहां पर हम दोनों स्क्रीनशॉट ऐड कर देते हैं गाइस।
तो गाइस आप लोग देखिए यहाँ पर हमने दोनों स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है एंड यहाँ पर सेंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने सेंड पे क्लिक किया एंड हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों को 10 से 15 दिन अपने अकाउंट लॉग आउट करके ही रखना है। अब गाइस 10 15 दिन बाद जैसे खोलेंगे आपके सामने इंटरफेस आएगा, आपका जो ऑप्शन रहेगा चेंज हो जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बार को ऑल पे सेट करना। अगर आप भी अपना अकाउंट अनलॉक करवाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करना। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।